ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ 2 ਜੂਨ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਪੂਰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੇੜੇ ਪੈਰਾਗਨ ਹੋਟਲ ਸੋਲਨ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਖੇ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦੂਸਰਾ ਮਹਾਨ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਰਾਗੀ ਜਥੇ ਕੀਰਤਨ ਰਾਹੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਵੱਲੋਂ ਸਰਬ ਸਾਂਝੀ ਗੁਰਮਤਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਹਿਮਾਚਲ मंडी शहर की केंद्रीय प्राथमिक पाठशाला भगवान में डाइट मंडी के द्वितीय वर्ष के डीएलएड के विद्यार्थियों की इंटर्नशिप चली हुई है। इंटर्नशिप में भाग ले रहे विद्यार्थी इस पाठशाला में सराहनीय कार्य कर रहे हैं। इंटर्नशिप के दौरान विद्यार्थी जहां पढ़ाने के कोर्स सीख रहे हैं तो वहीं पाठशाला को सजाने सुंदर रखने में भी अपना सराहनीय योगदान दे रहे हैं, जिसकी स्थानीय पाठशाला में मौजूद मुख्य अध्यापिका व अन्य स्टाफ सदस्य इनकी जमकर सराहना कर रहे हैं। साथ ही यहां निरीक्षण करने आए डाइट मंडी के प्रधानाचार्य बलबीर भारद्वाज ने इंटर्नशिप कर रहे इन विद्यार्थियों की कार्य प्रणाली का जायजा लिया। वहीं इंटर्नशिप में भाग ले रहे विद्यार्थियों का डाइट मंडी की ओर से मार्गदर्शन कर रही अध्यापिका मीनाक्षी कपूर ने सरकारी स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने वाले अभिभावकों से बच्चों के लिए निजी स्कूलों की तर्ज पर समय निकालने और उनकी गतिविधियों को नियमित चेक करने की अपील की है। वहीं केंद्रीय प्राथमिक पाठशाला भगवान मोहल्ला की केंद्रीय मुख्य अध्यापिका धर्मी चौहान ने इंटर्नशिप कर रहे डाइट मंडी को विद्यार्थियों की जमकर सराहना की है और साथ ही डाइट मंडी की ओर से इस प्रशिक्षण में भरपूर सहयोग मिलने के लिए डाइट मंडी प्रबंधन का आभार भी व्यक्त किया है। इंटर्नशिप कर रहे डाइट मंडी के विद्यार्थी भी इस पाठशाला में अध्यापक और बच्चों की ओर से मिलने वाले सहयोग से काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। आजकल हम राजकीय केंद्रीय प्राथमिक पाठशाला भगवान में आए हुए हैं। प्रशिक्षु अध्यापक हमारे साथ हैं। यहाँ पर जैसा कि बच्चों ने बताया कि इन्होंने बहुत ही सुरुचिपूर्ण कार्य किया क्लासरूम के बारे में, और साथ में इन्होंने पाठ योजना के बारे में थोड़ा सा अलग सा किया कि इन्होंने पाठ योजना से हमारा एक पाठ जो है वो 3 दिन चलता है, तो जब 3 दिन पाठ चलता है तो हमारी पाठ योजना एक नहीं चलती है, तो उसको हमने 3 चरणों में बांटा। एक दिन जो हम करवाते हैं और दूसरे दिन जो करवाते हैं उसका प्रस्तुतिकरण के साथ हम उसका गृह कार्य देते हैं, वो भी इस तरह से कि वो लिखा हुआ ना हो, बच्चों के साथ बुजुर्गों के साथ इंटरेक्शन के रूप में। और एक बात मैं बताना चाहूँगी कि जब यहाँ पर बच्चों ने कार्य किया तो इसमें हमारे जो स्थानीय पाठशाला की मुख्य अध्यापिका हैं श्रीमती धर्मी चौहान, और स्टाफ हैं सरोज मैम और दिनेश मैम, और इसके साथ ही जो जलवाहक हमारा अमित है, इन्होंने बहुत ज़्यादा हमारा सहयोग दिया। इसके साथ एक जो बहुत ही ज़रूरी बात है वो मैं बताना चाहूँगी कि आज हमारे यहाँ पे एक बात है कि जो अंग्रेजी स्कूल पब्लिक स्कूल के बच्चे हैं वहाँ पे अभिभावक ज़्यादा अपने बच्चों को भेजना पसंद करते हैं, क्योंकि वहाँ पर क्या है, लेकिन अगर हम उनको बताएं ये बात, जैसे हमारी SMC की मीटिंग हुई तो हमने ये बात कही कि वहाँ पर हम समय भी देते हैं बच्चों के साथ और उनको पैसा भी देते हैं, लेकिन जब हमारे सरकारी का जो हमारे स्कूल हैं वहाँ पर क्या करते हैं कि बच्चों को तो हमें दे देते हैं लेकिन वो ना हमें समय देते हैं, पैसा तो सरकार देती है। तो हम मैं ये एक अपील करना चाहूँगी, प्रार्थना करना चाहूँगी विनम्रता के साथ कि जो हमारे बच्चे हैं उनके लिए अभिभावक समय दें, और जो हमारे अध्यापक वर्ग यहाँ कार्य करते हैं उनको अपना समझे, स्कूल को अपना घर समझें, और जब हम स्कूल को घर समझेंगे तो वहाँ की समस्याएँ हमारी अपनी होगी। इसका उदाहरण हमारा है ये ममता है और ये मीनू है। जब हमने यहाँ पर कार्य किया तो ये दोनों बच्चियाँ हमारे पास आई कि मैम हम भी आपकी सहायता करेंगे, तो हमें इतना अच्छा लगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि इन बच्चों ने इसको घर समझा। जैसे ये अपने घर में अपने माँ बाप के साथ सहायता करती हैं वैसे इन्होंने हमारे कार्य में सहायता की। हम लोग आजकल यहाँ पे भगवान स्कूल में प्रशिक्षण हेतु आए हुए हैं, हमारी जो ट्रेनिंग एक मतलब पार्ट है वो हम लोग यहाँ पे ग्रहण करने आए हैं। तो जब हम स्कूल में आए तो हमने देखा कि यहाँ पे जो है सिर्फ 2 ही कमरे हमारे पास थे, अवेलेबल थे, तो एक कमरा बाहर था और एक बड़ा सा हॉल था, सारी क्लासेस इकट्ठे ही लगती थी, बच्चों को जो है सेपरेटली क्लासरूम नहीं थे उपलब्ध। तो हमने जब देखा कि कुछ यहाँ पे नया किया जा सकता है, जो पुराना सामान है उसमें से हमने कुछ चीज़ें जो हमारे यूज़ की थी उनको हमने यूज़ के लिए निकाल दिया, और जो वेस्ट मटेरियल था उसको हमने बाहर फेंक दिया, और बच्चों के लिए अलग अलग पार्टीशन देकर जो है क्लासरूम की व्यवस्था की,
हमारे जो नर्सरी वाले बच्चे हैं उनके लिए हमने बहुत ही सुंदर मतलब खिलौनों से सजा कर एक रूम जो है तैयार किया ताकि वो अट्रैक्टिव भी बने और बच्चे जो है वहाँ पर अच्छे से शिक्षा भी ग्रहण कर सकें। हम यहाँ पे डाइट से आए हुए हैं। हम यहाँ पर जब आए तो हमें बहुत ही अच्छा टीचरों का रिस्पॉन्स मिला और हमारे साथ जो श्रीमती मीनाक्षी कपूर है उन्होंने बहुत ही ज़्यादा सहयोग दिया। हमें इस स्कूल में बहुत अच्छी और नई चीज़ें सीखने को मिली है। हमने यहाँ पे अध्यापकों से सीखा कि बच्चों को किस तरह नई नई विधियों के द्वारा पढ़ाया जा सकता है और यहाँ पे हमने जो कक्षा कक्ष है उसको भी बहुत सुंदर तरीके से सजाया और यहाँ पे जो बच्चे शिक्षा ग्रहण करने आते हैं वो भी बहुत ही पढ़ाई में अच्छे हैं। और आदर्श समाचार ब्यूरो रिपोर्ट।